I'ma do you right. So hey guys, आप समय नाम है एंड आप देख रहे हो प्रोनेशन। सो गाइस फाइनली हम लोग का वेपर रोल हो चुका है अपडेट एंड यहाँ पे आ गई है गाइस एक नई स्किन जो है गाइस M79 के एंड M79 की लिटरली लेजेंडरी स्किन आ गई है वो भी वेपर रोल के अंदर। तो चलो यार आज की इस वीडियो में हम लोग यही स्किन निकालने वाले हैं एंड बात करें कि इस स्किन की एबिलिटीज क्या है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस इसका रेंज ज्यादा कर दिया गया है, इसकी मैगजीन ज्यादा कर दी गई, बस इसकी रिलोड स्पीड कम है जो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप इसे 2 बुलेट्स फायर कर सकते हो और इसकी रेंज भी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट वाला यार यहाँ पे स्किन है, मतलब एकदम ओपी स्किन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो एंड कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना यार, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है तो चलो यार पहले तो यार स्किन को निकालने का ट्राई करते हैं। मेरे पास अभी 29 वाउचर है गाइस, टोटल 29 वाउचर एंड मैं यार यहां पे फटाक से गाइस सबसे पहला स्पिन मारता हूं। एक काम करते हैं यार सिंगल के जगह डायरेक्ट 10+1 मारते हैं क्योंकि ज्यादातर चांसेस होते हैं 10+1 वाले में निकलने के एंड नहीं निकलता तो गाइस डायमंड टॉप अप करके निकालेंगे, बट निकालेंगे जरूर। तो फटाक से गाइस लाइक कर दो एंड सबसे पहला यार मैंने क्लिक किया एंड ओ भाई भाई वाउचर से गाइस वो भी डबल यार डबल टाइम निकल गया। नहीं वो 24 आवर्स का था, बट हाँ यहाँ पे देख सकते हो फाइनली वाउचर से निकल गया। एंड यार ये रही हम लोग गाइस M79 की स्किन जो 10 स्पिन के अंदर ही निकल गई यार, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गया अपने साथ कॉइंसिडेंस। बट जैसा भी है मैंने आपको बता दिया तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यार कैसा लगा इस बार का स्किन एंड ये कितना फास्ट निकल गया यार, लिटिल मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। एक बार हम लोग जाके वेपन वाले सेक्शन में M79 इक्विप कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो M79 की ये रही स्किन गाइस, लेजेंडरी स्किन है एंड इसका नाम है गाइस हिपस्टर बन्नी। ठीक है तो देख सकते हो काफी अच्छी स्किन है एंड यार इसको आप लोग लॉबी में भी ले जा सकते हो। ठीक है तो ये काफी अच्छी चीज है एंड यार चलो सबसे पहले तो यार हम लोग इसका टेस्ट कर लेते हैं कि बेसिकली ये वाली स्किन कैसे वर्क करती है एंड बेसिकली इसके अंदर कितना कुछ पावर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप यार प्रोफाइल के ऊपर भी ये वाली स्किन दिख रही है, मतलब काफी अच्छी बात है। तो चलो एक काम करते हैं यार कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपना ट्रेनिंग मोड में एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे वेपन्स है। तो यहाँ पे शील्ड गन करके भी गाइस एक वेपन ऐड कर दी गई है ट्रेनिंग मोड में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक शील्ड गन देखने को मिलेगा। तो अब यार आप यहाँ पे शील्ड गन का भी यूज कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एंड इसके अलावा गाइस शील्ड गन के अंदर काफी सारे अटैचमेंट भी लगते हैं। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो यार यहाँ पे एक नई चीज ऐड की गई है जिसका नाम है कैमो बॉक्स। कैमो बॉक्स बेसिकली एक बॉक्स है एंड इसके अलावा जिसमें आप मतलब कवर ले सकते हो, लाइक यहाँ पे ऑयल बैरियर है वैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स का कवर ले सकते हो। इसके अलावा इनहीलर भी ऐड कर दिया गया, मतलब कि आप जो क्लासिक का इनहीलर था वो आप यहाँ पे क्लासिक यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग मोड है क्लासिक वाला इनहीलर उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छी बात है। तो चलो यार मैं आपको एक छोटा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो बॉक्स है कैमो बॉक्स वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप बेसिकली इसका यूज कर सकते हो ऐसे मतलब हाइड होने के लिए एंड उसके बाद आप नॉर्मली बंदे को मार सकते हो, बहुत ईजी है। तो इस तरह से गाइस ये वर्क करता है, होप करता हूँ गाइस कि आपको समझ आ गया। एंड यार यहाँ पे देख सकते हो M79 की रेंज बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी गई है एंड काफी अच्छा है एंड इनहेलर भी आप यहाँ पे अब यूज कर सकते हो अपने नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, तो काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं मस्त M79 चला रहा हूँ एंड मेरे को तो कोई अभी तक प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही। मतलब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको M79 की स्किन कैसी लगी, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो यार मेक श्योर कि आप भी निकालने का ट्राई करो एंड आई होप कि आप सभी लोग निकाल पाओगे बिकॉज यार इस समय तो सबको 20 वाउचर मिला होगा। अगर आपके पास FF टोकन थे तो 20 वाउचर आप लोग रिडीम कर सकते हो रिडीम सेक्शन के अंदर, तो जाके वहाँ से वाउचर्स ले लेना। इसके अलावा अगर इस बात करें अपने सेकंड गन की, तो यहाँ पे हम लोग की जो सेकंड गन है जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐड कर दी गई उसका नाम है शील्ड गन। ठीक है एंड बेसिकली यार जो हम लोग का शील्ड गन है इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट जो यहाँ पे फीलिंग आती है इसको चलाने पर वो बिल्कुल ड्रैगन एके या फिर नॉर्मल एके चलाने जैसा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे एके वाला साउंड आ रहा है। यार यहाँ पे ये वाली गन का जो स्कोप है काफी बेकार लगा मुझे क्योंकि यहाँ पे बंदे का हेड ही नहीं दिखता जल्दी सही से। तो यार इस तरह का यार यहाँ पे शील्ड गन ऐड किया गया एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यार ये शील्ड गन कैसा लगा। बाय द वे गाइस यही था हम लोग का अपडेट एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि अपडेट में गाइस यहाँ पे शील्ड गन जो ऐड किया गया है आपको कैसा लगा। ठीक है तो ये था गाइस हम लोग का मतलब वेपन एंड यार यहाँ M79 की स्किन काफी ज्यादा अच्छी, इसकी रेंज देख सकते हो आप काफी दूर जा रही है एंड काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज वाला गन है। तो होप करते गाइस कि आपको स्किन भी अच्छी लगी होगी, लेजेंडरी स्किन है तो किल फीड भी काफी अच्छा आने वाला है। तो यार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यार ये वाला स्किन कैसा लगा। बाय द वे जाते जाते आप एक छोटा सा गेम प्ले देख लो इन दोनों गन्स का, मतलब दोनों का M79 भी शील्ड गन भी। ठीक है तो गेम प्ले देखते हुए जाना। बाय द वे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा लाइक कर दो, एम करते गाइस 10,000 लाइक्स का, होप करता हूं कि आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर दोगे। एंड आप कमेंट करके यार जल्दी से बताओ कि आपको यार ये शील्ड गन कैसा लगा। ठीक है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया एंड यार अब देख लो गेम प्ले। बाय गाइस लव यू ऑल, वीडियो को लाइक करते हुए जाना, कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा। ठीक है बाय। Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless prayer.
Redemption ever.